अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आयशाइत ब्लॉग उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखे होंगे जी तो आए में कौन ने एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ टू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन हिट द बेल आइकन ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बी अ पार्ट ऑफ आर फैमिली और जिन लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है उनको वेलकम टू आर चैनल वेलकम टू आवर फैमिली थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड आप लोगों के कॉमेंट्स मिले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन एंड ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स सो कहते हैं ना इंसान को uh, कोई दुआ देने वाला भी हो ना तो वो भी बड़ी बात होती है सो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू खैर जी ये है जी आज की मॉर्निंग और आज मैंने अपनी कुलीग से क्या कहते हैं प्रॉमिस किया था कि मैं लंच लेके आऊँगी उसके लिए भी अपने लिए भी सो so, वो उसी की तैयारी चल रही है सो so, ये थे जी मेरे पास फ्रोज़न पराठे और मैंने बनाया हुआ था बेसिकली uh, ये चिकन ब्रेड का मटेरियल uh, है सो so, मैंने अभी तक दो तो बनाई नहीं है चिकन ब्रेड बनाने के लिए लेकिन खैर हम ऐसे ही काम चलाई जा रहे हैं उस दिन मैंने इसका चिकन वाला पराठा बनाया था और नॉर्मल जो आट, आटे से खुद से पराठा बना के उसमें इसकी फिलिंग की थी लेकिन आज मैंने दिमाग लड़ाया और मैंने सोचा कोई यूनिक साइडिया होना चाहिए सो so, मेरे पास पड़े हुए थे जी ये फ़्रोज़न पराठे सो so, मैंने एक पराठे सुबह जब मैं उठी ना तो नमाज से पहले बेसिकली मैंने पराठे निकाल दिए ताकि वो थोड़े से जो है ना डिफ्रॉस्ट हो जाए सो so, जब मैं नमाज शमाज़ पढ़ के रेडी हो के स so, मैं बाहर आई और ये ऑलरेडी डिफ्रॉस्ट हो चुके हुए थे सो so, आपने देखा ही है कि मैंने एक पराठे को रखा और उसके ऊपर जो है मैंने फिलिंग डाली है फिलिंग डालने के बाद मैंने उसके ऊपर दूसरा पराठा चिपका दिया है ना फेविकोल की तरह चिपका दिया सो खैर जी वो मैंने लगा दिया उसके ऊपर और फिर उसको फोक की मदद से मैंने हर तरफ से जो है ना उसके एजेस को सील कर दिया खैर so, जी देखते हैं बनता क्या है लेकिन आ, हमें तो मज़े का लगा था आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा इसी तरह आलू के पराठे भी आप बना सकते हैं अगर आपसे वो जिसे कहते हैं ना पराठे के अंदर डाल के फिलिंग और फिर उसको बेलना हैंडल नहीं होता तो इस तरह आप पतले पतले दो पराठे बेल के और बीच में फिलिंग डाल के ऊपर से दूसरा पराठा रख के और फोक की मदद से उसको ज्वाइन कर सकते हैं ईजी पीजी काम हो जाता है खैर कहते हैं ना इंसान करना चाहे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है सारे काम आसान हैं है जी हमने एक पराठा इस तरह बनाया फिर मेरे पास थे ही सिर्फ तीन पराठे तो मैंने दो पराठों को इस तरह से जॉइन कर लिया और तीसरा जो पराठा था वो मैंने हाफ़ उसमें हाफ, उस हाफ पराठे मटेरियल डाला और हाफ पराठा जो है ना ऊपर से ऐसे बंद कर दिया सो वो जैसे वो हाफ़ मून नहीं हो जाता उस तरह से बन गया था वो सो बड़े अच्छे बने हैं जी और इस फिलिंग की जो चिकन पैटीज की जो लाइक चिकन ब्रेड की चिकन पैटीज़ की वट जो भी आप फिलिंग कहते हैं इस फिलिंग की रेसिपी मैं कई दफ़ा दे चुकी हूँ अपने चैनल पे लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सरी कैप इसका दे देती हूँ सो इसके लिए मैंने चिकन बॉईल किया था जी और चिकन बॉयल करके उसको श्रेड कर लिया और उसके बाद फिर इसमें मैंने डाले हैं कैप्सिकम्स डाल सकते हैं आप यानी शिमला मिर्च दो तीन कलर्स की आप मिला के डाल सकते हैं उसके बाद आप इसमें डालें मटर भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन मैं नहीं डालती थोड़ा सा प्याज चाहिए होता है तकरीबन हाफ़ प्याज़ या बहुत छोटे साइज़ का तो एक प्याज़ चाहिए उसके अलावा हमें गार्लिक पाउडर चाहिए और सूखा धनिया औरगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा ज़ीरा और नमक चिकन और चिकन क्यूब और जब मैंने चिकन बॉईल किया था उसके अंदर भी मैंने सिर्फ चिकन क्यूब एक डाला था हाफ पीस और उससे मैंने चिकन बॉईल किया था तो खैर जी आ, आपने हल्का सा जो है ना अनियन को सोटे कर लेना है उसमें आप गार्लिक पाउडर डाल दें और जो है बाकी मसाले आप थोड़े थोड़े से डाल के और उसके बाद उसमें शिमला मिर्च डाल दें और ग्रीन प्याज मैंने इसमें डाली थी वो आप डाल सकते हैं और अगर आपने स्वीट कॉर्न डालने हैं तो वो भी आप इस टाइम पे डाल सकते हैं सो so, इनको थोड़ी देर आपने सोटे से करना है और उसके बाद इसमें श्रेड हुआ चिकन डालने और जब चिकन थोड़ा सा जो है मसाले वगैरह आपने सारे डाल दिए और जब चिकन थोड़ा सा हल्का सा जो है ना ठीक हो जाए तो फिर इसमें आपने आ, डालना है ढाई से तीन चम्मच जो है ना मैदा सो so, उसको भुनेंगे दो तीन मिनट के लिए अच्छे तरीके से वो जो सही से भुन जाएगा फिर उसमें आप दो से ढाई कप जो है दूध का डालेंगे और बस दूध की कंसिस्टेंसी आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है जब थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो है ना ढीला हो तो आपने चूल्हा बंद कर देना है बिकॉज़ वो जब ठंडा होगा तो थोड़ा और थिक हो जाएगा सो so, ऐसे आपकी फिलिंग रेडी हो जाती है और ये फिलिंग आप पराठों में भी डाल सकते हैं ये फिलिंग आप ब्रेड में भी डाल के सैंडविचेस बना सकते हैं इस फिलिंग से आप चिकन ब्रेड बना सकते हैं इस फिलिंग से आप पैटीज़ बना सकते हैं इस फिलिंग से जिसमें मैंने ये फ्रोज़न पराठों से बनाया ये भी आप बना सकते हैं सो इट्स ऑल अप टू यू बड़ी मज़े की फिलिंग बनती है और जो है ना इस फिलिंग से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं सो so, यही फिलिंग जो है आप अपना डो बना के और उसको रोल करके पिज़्ज़े की शेप में और उसके ऊपर आप ये फिलिंग डालें ऊपर से आप चीज़ डाल दें ओए ओ थोड़ी सी ऊपर से अगर आपने स्पाइसी करना है तो थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल दें ओलिव और, और ये सारी चीज़ें प्याज श्यास डाल सकते हैं आप ऊपर और मैं कहती हूँ इतना प्यारा पिज़्ज़ा बनेगा कि सोच आपकी कल इंशाल्लाह सोचेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको इसका पिज़्ज़ा बना के दिखाऊँगी खैर जी अभी के लिए हमारे पराठे हो गए हैं रेडी और दैट सेट ये देखें जी ये जो हाफ़ मून वाला पराठा था ना इसको मैंने बिकॉज़ इसकी वो एक बेससी बन गई थी सो उसको मैंने पकाने के लिए इसको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना हर तरफ से पक जाए सो so, बड़े मज़े के पराठे जो है ना ये हमारे बने थे और उसके बाद मैंने इनको पिज़ा कटर की मदद से जो है काट दिया था और हम लंच लेके गए थे अपना मेरी फ्रेंड को भी बड़ा पसंद आया था मेरी जो कलीग थी और हमने भी बड़ा इन्जॉय किया था और आयत को मैंने ये ब्रेकफास्ट में दिया था हमने तो खैर ये ठंडा खाया था कॉज हमने तो लंच टाइम पे खाया था लेकिन आयत को मैंने सुबह सुबह गर्म गर्म दिया था सो उसको बड़ा मज़ा आया था सो so, उसने तो कहती मामा यम्मी ब्रेकफास्ट दिस इज नाइस आई लाइक इट यू मेक इट वेरी नाइस खैर जी ब्रेकफर्स्ट फर्स्ट करने के बाद हम आयत को लेके जा रहे हैं और आज कई रात को बारिश होगी और ये आयत के फेवरेट जो है ना विगली वर्म्स आगे और आयत कहती है मामा देर आर नो विगली वर्म्स मैंने कहा पुत्र पीछे तो देख तू तो वो देख रही है और डर रही है बिकॉज उसको बड़ा डर लगता है इनसे है मैंने कहा तुम जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो आज शुक्र है इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन पिछले दिनों तो इतनी बारिश हुई थी मैं कहती पैर रखने की जगह नहीं थी गाड़ी तक जाने के लिए सो उन से तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा था लेकिन आज एक दो ही थे सो मैंने कहा बर्दाश्त करो जब्त करो खैर <laughs> जी हम जा रहे हैं आयत को ड्रॉप करने बड़ा प्यारा मौसम था धूप निकली हुई थी अच्छी और ना कोई ठंड थी ना कोई जो है ना सर्दी थी और ना गर्मी थी सो बड़ा मज़े का वेदर होता है सुबह सुबह के टाइम पे बड़ी मज़े की जो है ना हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही होती हैं लेकिन वो सर्दी वाली ठंडी नहीं होती खैर जी हम जा रहे हैं आयत को ड्रॉप करने और आयत शुक्र है अब जो है ना हंस खेल के चली जाती है डे केयर लेकिन आगे का इसका मुझे अब टेंशन हो रही है कि अब जब ये स्कूल जाएगी तो इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर क्या होगा मुझे अभी उसकी टेंशन लगी हुई है आज भी मैं इसके स्कूल का पता कर रही थी और ये जी मेरे ऑफिस की विंडो का एक सीन है बाहर का काम करते करते एकदम नज़र पड़ी बाहर आज तो बिजी बहुत था काम हमारा आज तो कहते ना सर खुजाने की हमें फुर्सत नहीं मिली कोई हमने ब्रेक्स नहीं की इतनी ज़्यादा सिर्फ लंच ब्रेक ली वो भी टेन फिफ्टीन मिनट्स के अंदर सेट सो आज काम बहुत बिजी था आज इवन मैंने स्टार्ट भी जल्दी किया था सो so, ऑफ़िस भी मैं इसीलिए गई थी कि बिज़ी है तो ऑफ़िस में ज़रा वो कहते हैं ना एक माहौल सा बना हुआ होता है सो काम हो जाता है घर पे वो फीलिंग नहीं आती काम वाली <laughs> इसलिए अभी मेरा सेटअप भी नहीं है प्रॉपर सो so, इस वजह से मैंने कहा कि ऑफिस हाँ ही जा करते हैं और एक सैड बात बताऊँ आपको कल हमें फिर ऑफिस जाना पड़ेगा असूलन जो है ना मैंने थर्सडे फ्राइडे घर से काम करना था लेकिन कल भी बिजी है सो कल मुझे फिर ऑफिस जाना पड़ेगा बट क्या करें जी वो तो कहने हैं ना नौकर की तो नखरा की बस यही सोच के हमने हम ही भर ली कि जी हम आ जाएंगे कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम एनी टाइम एनी थिंग फॉर यू बट खैर जी कोई नहीं अगले हफ़्ते में हम जो है ना हम भी घर पे रहेंगे बिकॉज <laughs> अगले हफ़्ते में इतना बिजी नहीं होगा so, खैर जी हम जाते हैं आयत को पिक करने और आयत को पिक करके जो है ना मैंने आज जाना है शूज़ लेने अपने कॉज बड़े टाइम हो गया मैंने शूज़ नहीं बाय किए और अब मेरे पास एक ही ट्रेनर्स का जो है ना पेयर है और मैं उसको रोज़ पहन पहन के अक गई हूँ वो ख़ुद भी मेरे से तंग आ गया बेचारा वो कहता है बस कर दे पहन मैंने रोज जो है ना रगड़ रगड़ के तूने तीन साल में इतना नहीं पहना जितना तुमने इन दो तीन हफ्तों में पहन लिया सो so, बिकॉज मैं घर से जॉब करती थी और लिटरली आयत को पिक करने जाना होता था आयत को लेके घर वापस आना होता था सर्दियों में स्नो शूज़ पहनते थे गर्मियों में चप्पल पहन के मैं चली जाती हूँ सो so, कभी इतने ट्रेनर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी लेकिन अब ऑफिस जाती हूँ तो मैं ट्रेनर्स में क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी सी चलने की मैं ज़्यादा देर जब बैठती हूँ ना तो मेरी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ट्रेनर्स पहने होंगे तो मैं सही चल लूँगी मुझे हमेशा से बंद शूज़ पहनने की आदत रही है बचपन से मैंने हमेशा जो है ना ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा पहने हैं सो so, इस वजह से मुझे ट्रेनर्स में ज़्यादा कम्फर्टेबल फ़ील होता है मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिक्योर हूँ मैं गिरऊँगी नहीं मुझे कुछ होगा नहीं सो इस वजह से मैं ट्रेनर्स में जो है ना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ सो उसी के लिए जी हम आए हैं ट्रेनिटी मॉल जो लोग ब्रैमटन में रहते हैं जो टोरंटो में हैं उनको पता ही होगा कि ट्रेनिटी मॉल है जी ब्रैमटन में इस तरह यहाँ पे हमारे मॉल्स होते हैं आउटडोर मॉल्स सो सारी शॉप्स जो है साथ 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 अब इस, इस जगह पर ये शू कंपनी और डी दोनों जो है ना एक ही काइंड ऑफ ब्रांड की शॉप्स हैं तो so, मैं सबसे पहले गई शू कंपनी में उस गाड़ी मैंने वहाँ सामने पार्क की थी सो मुझे एक दो शूज़ अच्छे लगे बिकॉज मुझे चाहिए होते नीचे से हाई सोल वाले सो मैंने देखे मुझे एक दो शूज़ अच्छे लगे लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया जैसे ये वाला है ना इसका सोल जो है थोड़ा हाई है तो इस तरह का शूज़ मुझे चाहिए होते हैं सो ये तो चूंकि वाइट था इसलिए मैंने इसकी तरफ नज़र भी नहीं दौड़ाई मैंने कहा ये तो दूसरे दिन जो है ना ऐसे काला हो जाना है और फिर बुरे लगते हैं सो इस वजह से मुझे एक और पसंद आया ये वाला लेकिन इनके पास मेरा साइज़ नहीं था तो मैंने उसको कहा जी आप साइज़ चेक कर दें मैं आगे गई देखने के लिए मैंने कहा बाय द टाइम वो साइज़ चेक करेगी लेकिन वो बाजी ने समझा कि मैंने उसको कहा ही नहीं है मैं जब वापस आई हाँ, वो कहती मैंने तो चेक ही नहीं किया मैंने कहा लॉ जी मैंने कहा कैन यू प्लीज़ काइंडली चेक सो फिर उसने चेक करके बताया कि जी डी एस डब्ल्यू मौजूद है सो आप उधर चले जाओ और इफ़ यू वॉन्ट हम वहाँ से आपको मंगवा देते मैंने कहा नहीं nah, जी मैं खुद ही चली जाती हूँ दो दुकानें छोड़ के तो है वो सो वहाँ गई जी मैं और अपना शूज़ पसंद किया सो यही ब्लैक वाला मुझे मेरे साइज़ में मिल गया और ये देखें जी आयत मैडम कहती है मामा मैं आपको शूज़ लेके देती हूँ मैं आपको जो है ना मैंने कहा यहाँ बैग कहती है अंदर दाखिल होते ही ना कहती मुझे यहाँ पे बैग्स भी मिलते हैं ममा यहाँ पे बैग्स भी हैं शूज़ भी हैं बैग्स भी हैं मैंने कहा मैं बैग भी ले सकती हूँ या खाली शूज़ लूँ कहती है येस ये आई कैन गेट यू बैग एज़ वेल सो ये अब मैडम जो है ना शूज़ हमने पिक कर ली हैं सो अब ये मैडम गई है बैग की तरफ और इतनी माशाल्लाह मेरी अच्छी बच्ची है ना कि इसने एक दफ़ा नहीं कहा कि मामा तू अपने जूते ले रही है मेरे लिए तो ने कुछ नहीं लिया तो तू तो मेरे लिए भी कुछ ले ले लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी उसको भी पता है जब मेरी चीज़ चाहिए होती है ना जब उसको उसकी चीज़ लेनी होती है तब मामा कुछ नहीं लेती सो so, उसने भी कुछ नहीं कहा उल्टा वो मुझे कह रही थी मामा ये बैग ले लो ये ये चीज़ ले लो ये वो चीज़ ले लो मैंने कहा मैं ये बैग देखने शुरू की वो वो छोड़ के ये बैग देखने आ गई कहती है ये बैग ले लें मैंने कहा सही है जब तुम बड़ी होगी ना तब मुझे लेके देना जब तुम जॉब करोगी तो कहती अच्छा और बस ये अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत जिंदगी दे और इसको किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचा दे आमीन तो खैर जी आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमें और हमें बताएं आपको किस टाइप के किस तरह के व्लॉग्स चाहिए सो so, हम आपके लिए उसी तरह का कंटेंट लेके आएंगे क्या देखना चाहते हैं आप कनाडा के बारे में और वैसे भी अभी समर आ गया है सो so, इनशाला 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 हम आपको आउटडोर भी घुमाएंगे थोड़ी सी आउटडोर की भी सैर कराएंगे सो स्टे स्टेट फॉर देट मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज खुश रहिए खुशियाँ बांटिए और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करिए बिकॉज इस तरह से आप हमें खुश करते हैं ओके थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफि ये देखें जी मॉल कितना खूबसूरत लग रहा है